राम मंदिर जो अगले साल बनकर रेडी हो जाएगा, वही राम मंदिर जिसका सपना लगभग हर कोई देख रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, तब भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन राम मंदिर के निर्माण का फैसला इतनी आसानी से नहीं आया था, इसके लिए कई सारी चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ा था। आज हम आपको इस वीडियो में अयोध्या नगरी में बन रहे भगवान राम के मंदिर के इतिहास और हो रहे विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप भी इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम को भगवान विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है। भगवान श्री राम दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले राजा हैं। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर दिखती थी। अयोध्या इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या पूरी तरह से बिखर गई थी। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में बाबर के आदेश पर सन 1527-28 में मुगल शासकों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था और कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था और इसी के साथ ही कई सारे विवाद शुरू हो गए थे। साल 1853 में सबसे पहला विवाद हुआ था और 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने राम मंदिर को तोड़वा कर वहां पर मस्जिद का ढांचा बनवा दिया और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी गई। लेकिन इसके बाद साल 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ये मांग खारिज हो गई थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने सभी मामलों को शांत करा दिया। लेकिन साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ जब बाबरी मस्जिद में भगवान की कई सारी मूर्तियां पाई गईं और हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम तो यहीं पे प्रकट हुए हैं, लेकिन वहीं पे मुस्लिमों का आरोप था कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां पे रख दी थी और यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन डीएम के नायर ने दंगों और हिंदू भावनाएं भड़कने के डर से आदेश का पालन करने में असमर्थता जताई और सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर इस पर ताला लगवा दिया। कई सारी कोशिश करने के बाद भी 1 फरवरी साल 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने यूसी पांडे की एक याचिका पर ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया, जिससे हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिल गई। आदेश मिलने के बाद 6 सितंबर 1992 में वीएचपी और शिवसेना समेत अन्य हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसकी वजह से देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है कि जब इस ढांचे को गिराया जा रहा था तब वहां पर मौजूद हर एक आदमी अपने आप में नेता था और उस समय वहां का माहौल एक आंधी जैसा था और पूरे अयोध्या नगरी में जय श्री राम एक धक्का और दो, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जैसे नारों से पूरी नगरी गूंज रही थी और मंदिर में बने 3 गुंबदों को आखिरकार गिरा दिया गया। इस हादसे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वफ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच में 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसी तरह हुए कई विवादों के बाद में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, जिसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को अलग से 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराने का फैसला किया गया और तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किए गए और जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया और अभी वर्तमान की बात करें तो ये मंदिर आधे से ज्यादा बनकर तैयार हो गया है और ऐसा कहा जाता है कि साल 2024 तक भगवान राम का मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और लाखों श्रद्धालु अयोध्या नगरी में आकर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और उसके ऊपर हुए विवाद पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और सब्सक्राइब के बगल में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।